Bismillahirrahmanirrahim. Today we have to go through the remaining modal verbs which were left in the previous class. हम देखेंगे. हमारा अगला modal verb है वो ought to है. ought to का इस्तेमाल हम करते हैं, ये should के equivalent होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल में बिट डिफरेंट है. किस तरह से कि ये बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है, यानी होता ये सिमिलर टू शुड है, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप, और फॉर्मल सिचुएशन में थोड़ा इस्तेमाल होता है. जहां पे फॉर्मल सिचुएशन होगी वहां पे हम शुड का इस्तेमाल करेंगे बजाय इसके और टू का. और नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव में बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है. तो ये इनफैक्ट जो है वही सिमिलर है, लेकिन इसका जो इस्तेमाल है ये कम किया जाता है. पहला इस्तेमाल है इसका मॉरली कोई अच्छी बात हो, किसी को ऐसी सजेशन देनी हो जो मॉरली अच्छी हो, तो वहां पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं. जैसे you ought to be a nice person. अब नाइस पर्सन होना क्या अखलाकी तौर पे अच्छी बात है, तो किसी को आप कह दें. यहाँ पे शुड भी लगाया जा सकता है ought to की जगह पे. यू ought to behave nicely in front of elders. बड़ों के सामने तुम्हें अच्छा बिहेव करना चाहिए. और इफ यू रिमेम्बर चैप्टर नंबर 4 थैंक यू मैम में पढ़ा था, यू ought to be my son. तुम मेरे बेटे होते, मैं तुम्हें सीधा गलत से सीधा रास्ता सिखाती. तो ये विश के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, विश के लिए भी इस्तेमाल करते हैं. जैसे ये शुड भी ऐसे ही लगाया जा सकता है, जैसे यू शुड बी हियर, आपको यहाँ होना चाहिए. तो ये इनफेक्ट क्या है, विश है. तो ऐसी सूरत में भी ऑट टू का इस्तेमाल करते हैं. और जिस तरह से हम शुड और मस्ट को हम प्रिडिक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, सिमिलरली ought to can be used to predict something, to guess something. Like, suppose aap ek safar hai, aap kehte hain ki isko, suppose you have to travel to Lahore and you imagine that ke it will take 2 to 3 hours. To aap kehte hain ki this journey ought to take 5 hours ya 3 hours. To ye hame kya batata hai uska? Ye guess batata hai. तो जब इस तरह से आपने गेस करना होता है तो तब भी हम क्या यूज करते हैं, आर टू का इस्तेमाल करते हैं. अगर हमने इसको प्रैक्टिकली लाइफ में यूज करना हो तो यही है, क्योंकि मॉरली अच्छी बात हो, जो मॉरली रिकमेंडेड बात हो, जो एथिक्स को अपील करती हो, वहां पे आर टू का इस्तेमाल करते हैं. और दूसरी बात देखनी है इसमें कि ये ought not to कभी भी इस्तेमाल नहीं होगा, ये एक्सप्रेशन टोटली इस्तेमाल नहीं होता. नेक्स्ट यूज है इसका वो है has to, have to or had to. नेसेसिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये सिमिलर है जिस तरह से हम मॉडल वर्ब मस्ट का इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह से सिमिलर has to, have to or had to का. ये जैसे आपने कहीं जाना है, आप कहते हैं आई हैव टू लीव है, मुझे जाना है अर्जेंट काम के लिए. उसे ये फौरी तौर पे करना है, शी हैज टू डू इट. अगर पास्ट में हो तो ये हैड टू का इस्तेमाल करते हैं, हैड टू कम्प्लिश हो गया. अगर नेगेटिव में आ गया तो पास्ट में डिडंट होगा. और ये फ्यूचर एंड पास्ट में भी हो सकता है. फर्ज करो ये किस तरह से हमने पढ़ा था कि जो फ्यूचर एंड पास्ट होता है वो हम यूज करते हैं जहां पे इमेजिनरी सिचुएशन हो. फर्ज करो हम कहते हैं कि इफ इट वर प्लेजेंट, अगर मौसम खुशगवार होता तो क्या होगा, ही वुड हैव to leave for क्या होगा,
या इफ इट वर, आप कह लो फेवरेबल, अगर मौसम साजगार होता तो ही वुड हैव टू लीव फॉर, आप कह लो हार्वेस्टिंग, उसे हार्वेस्टिंग के लिए जाना पड़ता। तो अब ये जो इमेजिनरी सिचुएशन है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने वुड का इस्तेमाल किया। ये वुड का इस्तेमाल क्या शो करता है, वुड का इस्तेमाल हमें क्या शो कर रहा है कि वुड हैव टू, वहां मुझे करना पड़ता। तो ये अगर फ्यूचर एंड पास्ट के लिए कोई काम करना था तो वहां पे हमने वुड हैव टू का इस्तेमाल करते हैं, यानी पास्ट में ये करना था, पास्ट में ये, पास्ट में फ्यूचर है तो वहां पे वुड हैव टू का इस्तेमाल करते हैं। अगर प्रेजेंट में नेगेटिव में हो तो डजंट हैव टू और डोंट हैव टू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे दोनों एग्जांपल में ही डजंट हैव टू बी वरीड और आसिम एंड अली डोंट हैव टू रिपोर्ट, ये स्ट्रेस देने के लिए, ये नेसेसिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं। और अगर हमने स्ट्रेस देना हो तो स्ट्रेस देने के लिए हम पॉजिटिव सेंस में, अगर पॉजिटिव सेंटेंसेस में अगर डस डू और डिड आ जाए तो वो स्ट्रेस देने के लिए मॉडलिटी को शो करते हैं, स्ट्रेस मॉडलिटी को शो करते हैं। मसलन ही डज लाइक, वैसे तो होना चाहिए ही लाइक्स टू क्या होगा, रीड बुक्स। अब यहाँ पे डू या डज या डिड को हम नेगेटिव सेंटेंस में या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं, और अगर पॉजिटिव सेंटेंस में लगा देंगे तो वो क्या होगा, स्ट्रेस होगा। ही डज लाइक, वो किताबें पढ़ना बहुत पसंद करता है। गॉड डिड लिसन टू आर प्रेज, जैसे आप गॉड बी प्रेज्ड में पढ़ा था, 13 चैप्टर में गॉड बी प्रेज्ड, उसने कहा जब उसकी प्रपोजल आता है उनकी सबसे बड़ी बेटी के लिए, शमीम अहमद का रिश्ता आता है, शमीम अहमद ऑफर करता है, तो वो उसकी मौलवी अबुल की क्या होगा, बेगम कहती है गॉड डिड लिसन टू आर प्रेयर्स, अल्लाह ने बिलाखर हमारी दुआ सुन ली। तो यहाँ पे डिड किस लिए था, स्ट्रेस देने के लिए था। तो स्ट्रेस देने के लिए हम डू डज का इस्तेमाल करते हैं, ये हमारा, ये भी मॉडल वर्ब का रोल प्ले करता है। उसके बाद जो हमने नेक्स्ट जो है हमारा मॉडल वर्ब है वो जरा काफी कॉम्प्लिकेटेड है और काफी लंबी सी लिस्ट है इसकी, वुड का इस्तेमाल है। वुड का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ पे करते हैं, जब किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करनी हो तब हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे वुड यू लाइक टू टेक टी, क्या आप चाय पसीना पीना पसंद करेंगे। वुड यू हेल्प इन स्टडी, क्या मेहरबानी करके मेरी पढ़ाई में मदद करेंगे, तो वहां पे हम इस्तेमाल करते हैं वुड का इस्तेमाल करते हैं। कोई हाइपोथेटिकल कंडीशन हो जो एक्चुअली हो ना लेकिन हम उसको इमेजिन कर रहे हैं, मसलन इफ आई वर देयर आई वुड डील इट नाइसली, अगर मैं वहां पे होता तो मैं उसको अच्छे तरीके से डील कर लेता। अब यहाँ पे आप वहां पे हैं या नहीं है, डेफिनेटली आप वहां पे नहीं, तो ये जब इमेजिनेटिव सिचुएशन होती है जो क्या होगा, अनरियल सिचुएशन को हम क्या होगा यूज करते हैं, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, वहां पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। फर्ज करो मैं कहता हूं इफ आई वर यू, अगर मैं आपकी जगह होता, तो यहाँ पे अंडरस्टूड है कि मैं आपकी जगह पे नहीं हूं लेकिन मैं इमेजिन कर रहा हूँ आई क्या होगा, आई वुड बी हैप्पी, तो मैं खुश होता। अभी यहाँ पे क्या होगा, हमने ऐसी सिचुएशन में इस्तेमाल किया कि वो सिचुएशन जो एग्जिस्ट नहीं करती लेकिन मैंने उसको इमेजिन कर लिया, उसके लिए हमने का क्या यूज करते हैं, वर का भी लगाते हैं इफ क्लॉज के साथ और वहां पे वुड का भी इस्तेमाल करते हैं। ऐसे जैसे जितनी भी इमेजिनेशन है, सपोज मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरव्यू में पूछा जाता है कि सपोज इफ यू वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, अगर आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान होते तो फिर क्या करते, तो आप यहाँ जाहिर है ये इमेजिनेटिव सिचुएशन है, रियल सिचुएशन नहीं है, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, वहां पे आपने फर्ज करो आप कहते हैं
इफ आई वर, या इस वुड के साथ भी सेंटेंस लगा शुरू कर सकते हैं. आई वुड एस्टेब्लिश या आई वुड रिफॉर्म एजुकेशन क्या होगा इफ आई वर पीएम. अगर मैं क्या होता प्राइम मिनिस्टर होता तो मैं एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म कर लेता. अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ये आप एजुकेशन मिनिस्टर, आप प्राइम मिनिस्टर नहीं हैं, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, आप इमेजिन कर रहे हैं वहां पे ऐसी हाइपोथेटिकल सिचुएशन के लिए. ऐसी हाइपोथेटिकल सिचुएशन के लिए हम क्या यूज करते हैं, वुड का इस्तेमाल करते हैं. और वहां पे जहाँ पे इमेजिनेटिव सिचुएशन हो वहां पे हम वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, और हेड के साथ थर्ड फॉर्म भी लगाते हैं. तो लेकिन ये वुड इस्तेमाल करेगा. अब इसमें जितनी भी आप फर्ज करो, आपको सपोज वंस देयर वाज एन एसे टू बी रिटन ऑन इन बीएससी फाइनल में था कि इफ आई वर एन एनिमल, तो आप ऐसे इमेजिनेटिव, आप जाहिर है आप एनिमल नहीं है, बिसाइड द बायोलॉजिकल डेफिनेशन आप एनिमल नहीं है. तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, वहां पे यही हाइपोथेटिकल कंडीशन इस्तेमाल करेंगे. वहां पे करेंगे कि इफ आई वर एनिमल आप क्या करते, आई वुड वॉन्डर थ्रू सिटीज, आई वुडंट टेक केयर ऑफ माई स्टडीज, आई वुडंट हैव टू टेक केयर ऑफ माई स्टडीज. वहां पे आप वही इस्तेमाल कर सकते हैं, वुडंट हैव टू, जो मैंने अभी पहले बताया कि जब आपने पास्ट में कोई काम करना था, पास्ट में कोई काम आपको लाजमी करना था, तो वहां पे वुड हैव टू का इस्तेमाल कर. तो अगर आपने क्या कर रहे हैं, अगर आप इमेजिनेटिव उसको कर रहे हैं सिचुएशन को, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, आई वुडंट हैव टू. अब फर्ज करो इफ आई वर एन एनिमल, आई वुडंट हैव टू टेक द बर्डन ऑफ बुक्स, आई वुडंट हैव टू क्या होगा, वरी अबाउट द पीपल एट द रिलेशनशिप्स. तो ये सारी चीजें आप क्या है, हाइपोथेटिकल है. तो हाइपोथेटिकल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है जितनी भी इमेजिनेटिव सिचुएशन होती हैं. जैसे मैंने मिसाल दी, मोस्ट ऑफ द टाइम इन इंटरव्यूज इट इज आस्क द सच सॉर्ट ऑफ इमेजिनरी सिचुएशन. बहुत सारे जगहों पे सीएसएस वगैरह में सवाल पूछा जाता है, इफ यू वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, या इफ यू वर, जो लोग आर्मी में जाते हैं तो वहां पे जो ना वो उनसे सवाल पूछे जाते हैं कि इफ यू वर द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ क्या होगा, व्हाट वुड बी योर स्ट्रेटजी टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ कश्मीर. तो किस तरह से आप कश्मीर के मसले को हल करते हैं. तो आप वहां पे जितने भी स्टेप्स बताएंगे, जितने भी सिचुएशन बताएंगे, वो सारे के सारे वुड के साथ बनाएंगे. तो ये नहीं हाइपोथेटिकल कंडीशन में हम इस्तेमाल करते हैं ये वुड का इस्तेमाल. तो पोलाइट रिक्वेस्ट तो सिंपल सा था, लेकिन हाइपोथेटिकल कंडीशन में आप बहुत सारा मार्जिन है, इसमें बहुत सारी चीजों को लिख सकते हैं आप. जैसे आप उसमें लिख सकते हैं क्या होगा, कोई प्रेजेंट की इमेजिनेशन है, पास्ट की इमेजिनेशन है, तो वहां पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं. उसके बाद नेक्स्ट है, इसका इस्तेमाल है कंडीशनल सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं. इफ क्लॉज में अगर पास्ट है तो हम मेन क्लॉज में वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे. इफ क्लॉज में देखे जिस तरह से हैड मनी है तो ही वुड हेल्प है, तो इस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं. क्या होगा, ये हमारी कंडीशनल क्लॉज है. इसी तरह से ये भी कंडीशनल क्लॉज में हम जहां पे इफ का इस्तेमाल करते हैं, बेसिकली ये अगर देखें तो ऊपर वाली ये भी इफ क्लॉज ही है, लेकिन ये इफ क्लॉज के साथ हाइपोथेटिकल कंडीशन है. ये अकेला भी इस्तेमाल किया जा सकता है, आई वुड भी. एक दफा ही आपने इस्तेमाल करना है इफ आई वर एनिमल, तो उसके बाद आगे सारे के सारे सेंटेंसेस आप वुड के साथ, वुडंट हैव टू के साथ, और इस तरह से वो बनेंगे. लेकिन इफ वाली, इफ क्लॉज की कंडीशन जो है वो लिमिटेड होती है. इफ क्लॉज में क्या होता है, पास्ट टेंस होता है, और ये भी इमेजिनेटिव होता है डेफिनेटली, लेकिन ये क्या होगा, उसके साथ हम वुड का इस्तेमाल करेंगे. और सेकंड कंडीशन में हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, थर्ड
थर्ड कंडीशन में हैव और थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। एक इसके अलावा हम आमतौर पे सोचते हैं कि वुड का इस्तेमाल हम सिर्फ पास्ट में करते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, वुड यू लाइक टू टी, ये ऊपर जो मैंने एग्जांपल दी, ये चाय आपने पास्ट में नहीं पीनी थी, अभी पीनी है। तो चूंकि आप वहां पे पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट किसके लिए है, ये फ्यूचर के लिए है, ये नहीं है ये पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं, ये फ्यूचर के लिए है, तो वहां पे हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसका मतलब है कि वुड को हम टोटली ये नहीं समझना कि ये पास्ट में ही इस्तेमाल होते हैं, इसके अलावा भी इसके बहुत सारे इस्तेमाल हैं। जैसे देखिएगा, ये प्रॉमिसेस, ऑफर, इंक्लिनेशन और होप के लिए लिखते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। आई वुड बी अवेलेबल, ये आप प्रॉमिस कर रहे हैं या ऑफर कर रहे हैं कि मैं अवेलेबल हूंगा, ये अभी होना है, ये पास्ट में नहीं होगा, ये अभी फ्यूचर में होना आने वाले। आई वुड फाइनेंस योर बिजनेस, ये ऑफर करवा रहा है कि मैं आपके बिजनेस को फाइनेंस करूंगा, पैसा मैं लगाऊंगा। इसी तरह से आई वुड लव टू लाइक हियर, ये मेरी इंक्लिनेशन है, ये मेरी ख्वाहिश है, मेरा रुझान है, मेरा दिल कर रहा है कि मैं यहाँ पे रहूँ। आई वुड लव टू लिव हियर, यहाँ पे इंक्लिनेशन है, एप्टीट्यूड है, तो वहां पे इसका इस्तेमाल करते हैं। शी वुड लाइक टू बी योर वाइफ, ये भी क्या है, ऑफर है या इंक्लाइन होप, बल्कि आप कह लें होप है या इंक्लिनेशन है, उसका दिल कर रहा है। दे वुड लाइक टू स्टार्ट बिजनेस, तो ये भी क्या है, क्या होगा, होप है या इंक्लिनेशन है। तो ये होप इंक्लिनेशन में इवन दो के वो किसमें है, वुड का इस्तेमाल किया जाता है, गो के वो अपेरेंटली वो लगता है कि इट इज यूज फॉर पास्ट। तो इस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं, क्या होगा, मुख्तलिफ सिचुएशन में। नेक्स्ट जो है इसकी, इसका इस्तेमाल हम वुड का इस्तेमाल करेंगे जहां पे कोई हाइपोथाइज करना होगा, वहां पे हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप यहाँ पे ये आप एक कार को देखते हैं, आपने कहा कि यार लगता है ये कार की अपेयरेंस से इसमें सिस्टम भी बहुत सारे हैं, तो ये बहुत कॉस्टली होगी, तो दिस कार वुड बी वेरी कॉस्टली। आपने गेस किया, हाइपोथाइज किया, अंदाजा लगाया, आप ये भी कह सकते हैं कि हाइपोथेसिस बेसिकली क्या होता है, गेस होता है, जब आप गेस करते हैं किसी चीज के बारे में, तो वहां पे इसका इस्तेमाल करते हैं। It wouldn't be useful for you. मैं किसी चीज को कह देता हूँ यार मेरा ख्याल में ये आपके लिए फायदेमंद नहीं रहेगा, तो वहां पे हम गेस करने के लिए हाइपोथेसिस का इस्तेमाल करते हैं या गेस करते हैं, वहां पे भी वुड का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद नौवा वाले चैप्टर में पढ़ा था आपने एक सेंटेंस, आई वुड रादर नॉट डिस्कस इट एनी मोर, मैं इसके बारे में मजीद बात नहीं करूंगा, इफ यू डोंट माइंड। अब यहाँ पे वुड रादर प्रेफरेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं कि आपने समझा कि ये चीज बेहतर है और उसके लिए हमने प्रेफरेंस के लिए इस्तेमाल किया। जैसे आई वुड रादर टेक रेस्ट, ये चौथे चैप्टर में हमने इस्तेमाल किया, वो कहती है कि आई हैव टू टेक माई रेस्ट नाउ या आई वुड रादर टेक रेस्ट नाउ। तो इस तरह से हम क्या यूज करते हैं, ये प्रेफरेंसेस के लिए, यानी कोई चीज किसी चीज से ज्यादा इम्पोर्टेंट हो उसके लिए हम प्रेफरेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद ऐसा एक्शन जो पास्ट में रिपीटेडली होता हो, परसिस्टेंट एक्टिविटी के लिए जो मुस्तकिल एक्टिविटी हो रही है, लगातार हो रही है, इंसेसेंट हो रही है, उसके लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं वुड का। जैसे क्या होगा, आपको याद हो चैप्टर नंबर सेकंड में क्लरिंग इन द स्काई में पढ़ा था, लास्ट लाइंस में से था कि क्या होगा, हाउ आवर हाउंड्स रैग्स एंड स्काउट्स वुड सर्कल द रैबिट्स एंड क्या होगा मेड देम सर्कल मेड देम सर्कल, यानी उनको दायरे में घुमाते थे। तो अब ये काम क्या करते हैं, रूटीन के साथ पास्ट में जो परसिस्टेंट एक्टिविटी हो, यानी रूटीन के साथ हो रही हो, वहां पे भी वुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे माय नेबर्स डॉग वुड बार्क एट एवरीवन, यानी हर किसी पे
क्या कहता, भौंकता था। अब ये एक्चुअली रूटीन है उसकी, तो वहां पे भी हम वुड बाग का इस्तेमाल किया। व्हेन वी वर चिल्ड्रन वी यूज्ड टू विजिट बड़ा भाई जाया करते थे। वी वुड बाय स्वीट्स वाटरमेलन, वी वुड एंजॉय एवरी बिट ऑफ द फेयर। अब यहाँ पे ये सारी सिचुएशन जहाँ पे हमने इस्तेमाल की, यानी वुड एंजॉय वुड बाय, तो ये क्या शो कर रही है, पास्ट की एक मुसलसल होने वाली एक्टिविटी या रूटीन एक्टिविटी को शो करता है। तो रूटीन टेंसेस में हम क्या यूज कर सकते हैं, वुड का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट यूज आ गया, वुड का इस्तेमाल जहाँ पे करते हैं, यानी ऐसा काम। और जाहिर है ये इससे पहले बात किसकी हो रही होती है, ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पे जब इनका इस्तेमाल करेंगे तो उससे पहले आपकी कोई रूटीन एक्टिविटी को मेंशन होना चाहिए, तभी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ये अंडरस्टूड होगा कि बैकग्राउंड पे बात रूटीन की हो रही है। फर्ज करो आप यहाँ पे सपोज आप में से किसी ने अपने बचपन की कहानी सुनानी, तो आप जो काम आप बचपन में रूटीन के साथ किया करते थे, यानी कि लगातार करते थे, वहां पे आपने मेंशन करते हैं कि वी यूज टू लिव ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, और वहां पे वी वुड क्या होगा जंप इनटू द रिवर एंड वी वुड हैव बाथ। इस तरह से आप जितने भी जो लगातार एक्शन हो रहे हैं वहां पे प्रेजिस्टेड एक्शन हो रहे हैं, जो रेगुलर पास्ट रूटीन के एक्शन हो रहे हैं, वो आप वुड के साथ भी इस्तेमाल करते हैं। एक तो आप यूज टू के साथ सारे इस्तेमाल कर सकते हैं और वहां पे वुड के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये प्रेजिस्टेड एक्शन है, लेकिन इसके साथ मेंशन होना चाहिए पहले कि ये पास्ट की ही बात हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट जो मॉडल वुड का इस्तेमाल है वो फ्यूचर एंड पास्ट के लिए, ये हम कॉमन इस्तेमाल करते हैं। जैसे मुझे मालूम था कि वो फर्स्ट पोजीशन ले लेगा, तो क्या होगा, अब चूंकि आई न्यू पास्ट में है तो हमने क्या यूज किया, ये फर्स्ट पोजीशन ली नहीं अभी लेनी है। तो जब काम अभी करना हो तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, वहां पे इसका इस्तेमाल करते हैं, येट टू हैपन, जो काम अभी होना हो लेकिन कब, इन पास्ट। तो जब पास्ट में कोई काम होना हो तो वहां पे इसका इस्तेमाल करते हैं, तो वो हमें वहां पे क्या मीनिंग देता है, वहां पे ये इसका मीनिंग देता है वुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई होप्ड, मुझे उम्मीद थी पाकिस्तान वुड प्रोग्रेस, अब ये उम्मीद कब थी, पास्ट में, पास्ट में ये अभी प्रोग्रेस होना थी जब मैंने क्या की थी, उम्मीद की थी, यानी जब मैंने उम्मीद की थी उस वक्त अभी एक्शन होना था किसका, प्रोग्रेस का। तो जो काम अभी होना हो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, वुड का इस्तेमाल करते हैं। फिर हम इस्तेमाल करते हैं इसका विश में, जहां पे विश हो विश के साथ भी हम वुड का इस्तेमाल करते हैं, विश के साथ वर्ब भी लगाते हैं, हैड भी लगाते हैं और वुड का इस्तेमाल भी करते हैं। आई विश, मेरी ख्वाहिश है कि मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान होता, तो वुड बी लगा दिया, तो विश के साथ भी हम क्या यूज करते हैं, वुड का इस्तेमाल करते हैं। ही विशेस ही वुड बी, उसकी ख्वाहिश है कि वो क्या होती, फिलंथ्रोप होती। फिलंथ्रोप का मतलब क्या होता है, जो इंसानी जो हमदर्दी के काम करते हैं, ह्यूमन वेलफेयर, उसको फिलंथ्रोपिस्ट कहते हैं। तो ये विश के साथ भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि विश के साथ और स्ट्रक्चर इस्तेमाल होते हैं, वो कौन से हैं, वो वर है और हेड के साथ क्या होगा, पास्ट पार्टिसिपल इस्तेमाल करते हैं, क्या होगा, हेड के साथ पास्ट पार्टिसिपल भी इस्तेमाल करते हैं, ये दोनों स्ट्रक्चर इस्तेमाल किए जाते हैं और वुड का इस्तेमाल भी किया जाता है। उसके बाद सब्जंक्टिव वर्ब में इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे एज इफ आ जाए, यानी ये भी वही हो गया, अनरियल सिचुएशन है तो वहां पे हम इस्तेमाल करते हैं। ही लुक्ड एज इफ ही वुड फॉल, वो यूं दिखाई दिया गोया कि वो गिर जाएगा। अब वुड फॉल जो है वो इसका इस्तेमाल किया, एज इफ के बाद हमने इस्तेमाल किया पास्ट में, और क्या होगा, ही सीम्स हो तब भी हमने क्या लगाया, एज इफ के बाद क्या यूज किया, वुड का इस्तेमाल किया।
तो यहां पे भी हमने क्या इस्तेमाल किया है, जहां पे भी हमने ये सब्जंक्टिव वर्ब इस्तेमाल किए वहां पे हम वुड का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद जो हमारे जो सेमी मॉडल वर्ब्स हैं वो नीड नॉट और डेयर नॉट है। ये यानी नीड नॉट और डेयर नॉट जब आ जाए तो ये भी स्ट्रेस को शो करते हैं, तो वहां पे भी हम इसको मॉडल वर्ब समझते हैं। ही नीड नॉट बॉदर, नीड नॉट के बाद हमने कहा था बेयर इन्फिनिटिव लगाते हैं, तो यहाँ पे उसके बाद डेयर नॉट मिस बिहेव, तो यहाँ पे भी हमने उसकी क्या होगा वहां पे उसका इस्तेमाल करते हैं। ये मीनिंग दे रहे होते हैं, स्ट्रेस का मीनिंग दे रहे होते हैं। और जाहिर हमने पढ़ा था कि जो मॉडल वर्ब वो वर्ब्स होते हैं या ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं जो वर्ब के मेन वर्ब के मेन सब्जेक्ट के मूड को दिखाएं या एटीट्यूड को दिखाएं, तो वो इस तरह से वो मीनिंग में इजाफा करते हैं। उसके बाद है जी नेक्स्ट हमारा जो है वो सेंटेंस है, जिस तरह से आप देखेंगे अभी उनका मैंने तकरीबन सभी को मैंने इस्तेमाल किया है। यहाँ पे देखिएगा पहले सेंटेंस में मदद करनी है, किसने करनी है, एक मुसलमान ने किसकी मदद करनी है, गरीबों की, तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हो गया आपके पास। और क्या होगा, अब देखना है कि यहाँ पे सिचुएशन कौन सी है। अब ये काम चूंकि मॉरली अच्छा है तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, वहां पे हम ऑट टू का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे, वहां पे मस्ट भी इस्तेमाल हो सकता है, और ऑट टू तो आपको पता है कि हम शुड की जगह पे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये कम इस्तेमाल होता है, इनफॉर्मल सिचुएशन में ज्यादा होता है। उसे या वो इल्म को अकली और अमली तौर पे सीखना है या सीखता था या सीखता सीखना पड़ा या सीख या वो सीखता था सीखता। तो अब यहाँ पे जब आपने इस तरह से इस्तेमाल करते हैं तो अभी काम करना है तो हैज टू, पास्ट में काम करना था तो हैड टू, और फ्यूचर में फ्यूचर इन पास्ट में अभी काम करना था तो वुड हैव टू का इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं डॉक्टर होती तो शकरगढ़ में एक मुफ्त इलाज मुआलजे के लिए अस्पताल बनाती। अब यहाँ पे आप डॉक्टर नहीं है लेकिन आप उसको इमेजिन कर रहे हैं, हाइपोथेटिकल सिचुएशन को आप इमेजिन कर रहे हैं, तो इसका मतलब है वहां पे किसका इस्तेमाल करेंगे, वुड का इस्तेमाल करेंगे। इफ आई वर अ डॉक्टर, अगर मैं डॉक्टर होती, ये एक आपकी क्लॉज होगी। शकरगढ़ मुफ्त इलाज बनाती तो क्या होगा, आई वुड एस्टेब्लिश। यहाँ पे बनाना कौन बनाता है, मैं बनाता, किसको बनाता, एक अस्पताल को, तो ये क्या होगा ऑब्जेक्ट हो गया आपका, और बनाना क्या हो गया वर्ब हो गया। तो आई इफ आई वर अ डॉक्टर आई वुड एस्टेब्लिश अ हॉस्पिटल फॉर फ्री ट्रीटमेंट क्या होगा। इसी तरह से पास्ट में क्लॉज है, उसे उम्मीद थी कि हालात बदलेंगे, उम्मीद थी पास्ट में है, तो हालात भी कब बदलने थे, पास्ट में बदलने थे, लेकिन पास्ट में अभी काम होना था तो ये फ्यूचर हो गया, तो शी होप्ड द सिचुएशन वुड बी चेंज्ड। अब यहाँ पे वुड का इस्तेमाल किया, वुड बी चेंज्ड क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि पास्ट में होप है और ये चेंज जो है ये भी पास्ट में होने थे। अब किसी को रिक्वेस्ट करनी हो बड़े को तो क्या होगा, ही वुड, अगर हमने क्या होगा वो नशावर और अद्वियात इस्तेमाल करता, ये हमने क्या किया, ये उसकी परसिस्टेंट एक्टिविटी है, क्या होगा इस्तेमाल करता वर्ब, कौन इस्तेमाल करता वो, किसको इस्तेमाल करता, सिगरेट एक तो नशावर अद्वियात, और पीना वर्ब हो गया, और किसको, सिगरेट को, ये सिगरेट वो पीने का ऑब्जेक्ट हो गया और नशावर अद्वियात इस्तेमाल करने का ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये जो ना पास्ट में परसिस्टेंट एक्टिविटी, यानी ये कंटिन्यूअसली या परसिस्टेंट लगातार जो है वो एक्टिविटी है, तो वहां पे हम इस्तेमाल किया इसका, किसका, वहां पे हमने इसका इस्तेमाल किया, यानी कि तो इस तरह से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। आप किसी बड़े को कहना हो उठने का तो वुड यू लीव द चेयर,
ठीक है। और इसके बाद आपने मेरे वाले साहब मैं दो ही मर्तबा रुके, ये आपने सेकंड चैप्टर में क्लियरिंग इन द स्काई में, ओनली ट्वाइस डिड माय फादर स्टॉप। अब डिड यहाँ पे किस लिए इस्तेमाल किया, ये हमने स्ट्रेस देने के लिए इस्तेमाल किया, और ये पॉजिटिव सेंस में जब हमने सेंटेंस में डिड इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद हमने ये इसका स्टॉप इस्तेमाल करेंगे। देखिएगा नेक्स्ट जो है हमारा, ये तो था हमारा सारा का सारा लेक्चर आज का। अभी आपने होम टास्क है कि आपने सोचना है कि अगर आप टीचर होते तो किस तरह से दुनिया को चेंज करते और दूसरों को फ्यूचर को रिफॉर्म करते। ये सारा का सारा इमेजिनेटिव है, जो भी आपने काम करना है सारा का सारा इमेजिनेटिव है, जो काम अभी होना है। तो यहाँ पे इमेजिनेटिव हाइपोथेटिकल सिचुएशन के लिए, जैसे मैंने पहले कहा कि हम किसका इस्तेमाल करेंगे, वुड का। ये सिमिलर सिचुएशन है जिस तरह से आई वर एन एनिमल, आई वर प्राइम मिनिस्टर, आई वर अ बर्ड एंड सिमिलर टू दैट। तो अब जरा अपने अपने सवाल पूछ लेने हैं, जो जो सवाल होंगे आपके वो अभी पूछिएगा।